वो मकसूद कौनो मकाना गया है, हेरा से वो सूए फराना गया है, रिवायत बतानी हसाना गया है, वो सारे का सारा पुराना गया है, वो सारे का सारा पुराना गया है। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक आला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाना हमारा जाएंगे पर हम जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पर हम है वो सच्चा हिवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, और नक्शे पासे दरख्शा हुआ रास्ता नूर हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शमशो कमर है खजल, जिनके जलवों से शमशो कमर है खजल, वो हसी खूब उतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। अरे आ गया जो हलीमा की आंखों में, आमना का दुलारा हमारा नबी। पत्थरों पत्थरों जब से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी, जब करेगा इशारा हमारा नबी, और भूली भटकी हुई सारी मखलूक को आके जिसने संवारा हमारा नबी। अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो उमर हो अली हो अली, सबका आका हो मौला हमारा नबी। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, के कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अरे कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। और अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है सुमारा हमारा नबी। वो सीरत पाक के जिसके गुलनाज़दीन में एक जमाने से हजारों अफराद अकीदत और मोहब्बत के हार डालते हुए आ रहे हैं, आज भी आप हजरात की पेशानियां इस बात की गमबाजी कर रही हैं कि रात के इस भरी बज में, रात के इस आखिरी हिस्से में तकरीबन एक बजे है कि उसी मौजू पर गुलफशानी की जाए। तो लीजिए वो शाही अरबो अजम जो एक फूल ही नहीं बल्कि ऐसे गुलशन्ना है कि जिसमें रंगारंग महकते फूल की रानी है, जहाँ गलियाँ अपनी नजाकत पर मुस्कुरा रही हैं, कि जिसका माली कभी चमकते गुलाब और महकते चंपा की तरफ हाथ बढ़ाता है मगर जूही का हुस्न उसकी नजर को खा जाता है, इसी तजब्जुम में वो किसी भी फूल को तोड़ नहीं पाता। ठीक यही मिसाल अकाए मदनी ताजदारे मदीना सरबरे कायनात फखरे मौजूदात हादी सुबुल साकी कौसर शफाए महशर शफीउल मुजरबीन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बयान करने वाले मुकर्रर की है कि जब वो बयान करने पर आता है तो हैरान शशतर हो जाता है कि वो गुलदस्ता सीरत में से किस फूल को अपना मौजू सुखन बनाया जाए। किसी ने कहा था तो किसी उर्दू शायर ने अपना कलम इस तरह बंद किया था कि कलम मेरा काफिर सुबह मेरी आजिज मोहम्मद की अजमत बताओ मैं कैसे महबूब रब इमाम रसूल वो फजाई मुकम्मल सुनाओ मैं कैसे। सीरत तब तैयबा को फजाहत और बलावत के गुलदान में सजाने के लिए हिंदुस्तान का एक नामवर मुकर्रर सूफी बासफा जिनकी शोहरत का डंका हिंदुस्तान के कोने कोने में चप्पे चप्पे में बज रहा है, मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब कासमी दामद बरकत मुलालिया है। मैं उनको दावत देता हूँ शेर के साथ के इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। अरे बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। आइए इस्तकबाल कीजिए जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब। बहुत अच्छा।